और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, कल से हमें उसकी बहुत ज्यादा सजेशन मिल रही है और वीडियो का टाइटल है राम सेतु विल बी डिक्लेयर्ड नेशनल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शेयर करें, ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु के बारे में कि क्या राम सेतु इन द फ्यूचर एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा भारत में या नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के जो कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल साहब, इन्होंने ये कहा है कि राम सेतु शुड बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल मॉन्यूमेंट। नाउ अभी के लिए जो ये इशू है ना, ये सिर्फ सरकार के पास नहीं है, ये इशू अभी के लिए पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा, उसके बाद सरकार यहाँ पे अपना काम करेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि राम सेतु है कहाँ पर। सो यहाँ पे आप देखोगे, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा पाल स्ट्रेट और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है राम सेतु। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रामायण में आप सब लोगों ने हो सकता है कि किसी टीवी शो में देखा हो, पढ़ा हो कि भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु बनाया था। इसी के जरिए ये गए थे रावण के साम्राज्य लंका में। मगर आप जान के हैरान होंगे कि एक टाइम पर बात ये चल रही थी भारत में कि क्यों ना राम सेतु को तोड़ दिया जाए और यहाँ पे बनाया जाएगा राम समुद्रम शिपिंग किनाल प्रोजेक्ट। आइडिया यहाँ पर यह था कि अभी के लिए जो भी कार्गो शिप आती है वो यहाँ पे गुजरती है इस तरीके से। ये रूट थोड़ा लंबा पड़ता है, यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो क्यों ना यहाँ पर जो ये राम सेतु है इसको डिमोलिश करके एक केनाल बना दिया जाए बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो प्रपोजल है ऑलमोस्ट आगे बढ़ ही गया था, मगर सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि राम सेतु को तोड़ना गलत होगा, ये भारत की धरोहर है। हम यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बस थोड़े से बेनिफिट के लिए, एक इतनी ज़्यादा एक एंशंट मॉन्यूमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि क्या इंडिया राम सेतु को एक नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ एंशंट टाइम्स, क्या ये ऑफिशियली टाइटल हम राम सेतु को देंगे या फिर नहीं। खैर, मैं ये यहाँ पर कहूँगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी की इंटरवेंशन की वजह से उस वक्त के लिए जो ये प्रोजेक्ट है ये रोक दिया गया। और स्वामी जी ने बाद में ये भी रिवील किया था कि एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बातचीत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जज ने स्वामी जी से ये पूछा कि आप एज ए हिंदू क्या रोज जाते हो राम सेतु में वहाँ पे प्रेयर करने के लिए। तो स्वामी जी ने रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये कहा कि लाखों हिंदू हैं आज के समय इन इंडिया जो पूजा करते हैं सूर्य की, तो वो सूर्य की तरफ जाते थोड़ी ना है, रोज यहीं पर आके पूजा करते हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे वार्तालाप हुई थी। बट इन दी एंड 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया टू डिले द प्रोजेक्ट। अभी भी प्रोजेक्ट ये कैंसिल हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे हमको करनी होगी, तभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राम सेतु प्रोजेक्ट का करना क्या है। और आज के समय देखो, सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जल्द से जल्द नेशनल हेरिटेज का स्टेटस दो यहाँ पे राम सेतु को, ताकि इसको फ्यूचर में भी कभी डिमोलिश ना किया जा सके। तो ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि राम सेतु को हम एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करेंगे या नहीं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये सब रिक्वायरमेंट्स होती है एक एंशंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए। या तो वो साइट होनी चाहिए एक एंशंट मॉन्यूमेंट की, रिमेन्स होने चाहिए एक एंशंट मॉन्यूमेंट के। तो इन एस्पेक्ट से आप अगर देखो तो आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, राम सेतु हो सकता है कि डिक्लेयर किया जाए एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। सरकार का यहाँ पे प्लान ये है कि पहले इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे डिक्लेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, उसके बाद कोशिश ये होगी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम डिक्लेयर करवाएं राम सेतु को। नाउ क्या हम ऐसा कर पाएंगे? देखिए, रीसेंट टाइम्स में काफ़ी स्टडीज हुई है और राम सेतु, और इससे ये बताया गया कि राम सेतु एक्चुअली मैन मेड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अंडर जब स्टडी करी रामेश्वरम आइलैंड की, तो इन्होंने ये कहा कि जो ये आइलैंड है ये 1,25,000 साल पुराना है। रामेश्वरम आइलैंड यहाँ पे आप देख पाओगे तमिलनाडु में, यहाँ पे आपको मिलेगा। इस आइलैंड के बाद शुरू होता है यहाँ पे राम सेतु। और राम सेतु के बारे में बताया जाता है कि इसको बनाया गया था 7,000 से लेकर 18,000 साल पहले। और ये बात किसने कही है कि राम सेतु मैनमेड हो सकता है? देखो, डिस्कवरी साइंस चैनल ने एक पूरी स्टडी करी थी इस पर 2017 में, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है साइंस चैनल की ऑफ द डिस्कवरी नेटवर्क, और ये यहाँ पर कह रहे हैं, आर द एंशिएंट हिंदू मिथ्स ऑफ ए लैंड ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका ट्रू? साइंटिफिक एनालिसिस सजेस्ट दे आर। और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि इनके हिसाब से जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रखी है राम सेतु की, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, उससे लग रहा है कि बिल्कुल ये मैन मेड है, ये नेचुरली यहाँ पर नहीं आया, ये बिल्कुल आज से 7 से लेकर हो सकता है कि 18,000 साल के बीच में इसको बनाया गया हो।
तो देखिए साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ए रिमार्केबल साइड अपने आप में कि ह्यूमन बींग्स ने अगर इसको हज़ारों साल पहले बिल्ड किया था इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा केस बनता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से राम सेतु को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं, मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC बैंक UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो एग्ज़ाम पे, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। मगर जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लिखा है, कभी भी पे मत करना, यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। बात करें राम सेतु ब्रिज की, तो लिटरली जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या इससे पहले जब हमने इसके बारे में एक वीडियो देखी थी, तो हम हैरान थे कि उस टाइम पे जो है कैसे इस चीज को बनाया गया था। और अक्सर मैं और मौजम यही बात करते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि पहले मतलब एंशियंट टाइम में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी, वो लोग ज्यादा समझदारी से चीजें बनाते थे। इवन कि अभी जब हम देखते हैं तो हम लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी वो चीज नहीं बन पाती। मैं अगर बात करूँ ना, जब हम खासतौर पर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो हम पुरानी चीजें देखते हैं जो हजारों सालों से बनी हुई हैं, जैसे कि मैं खजुराहो टेंपल की बात करूं या अगर जगन्नाथ टेंपल की बात करें या केदारनाथ टेंपल की बात करें, तो बहुत साल पुराने हैं, कई हजारों साल पुराने हैं। तो जब आप उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी यानी कि खूबसूरती को देखते हैं, आर्ट को देखते हैं ना, तो एकदम वाकई आपका दिमाग जो है ना वो कहने सुन हो जाता है, जितना यानी कि अच्छा जितनी कारीगरी उस पर दिखाई गई हुई है। के बारे में हम लोग बोलते हैं कि मतलब वो कितने खूबसूरत बने हुए उस टाइम के लिहाज से। और इवन कि अभी भी हम देखें, अगेन वही बात हम करते हैं कि अभी के टाइम में हमें ये कारीगरी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे वीडियो में भी बोला गया कि जो राम सेतु ब्रिज है उसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च भी की गई और इतने हजारों साल पहले मतलब ये बनाया गया और ये मैन मेड है जैसे कि वीडियो में भी बोला गया। तो मतलब अभी रिसेंटली एक वीडियो थी जिसके बारे में मतलब जो द्वारका सिटी, जो लॉर्ड कृष्णा का सिटी बोला जाता है, उस पर भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है और उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, जो कि लगभग 9000 साल पुराना शहर कहा जाता है। वेल ये है कि ऐसी चीजें मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं जब हमारे सामने आती हैं। हम जब अपनी इस जमीन की बात करते हैं ना, तो इस जमीन को जब हम यानी कि हम तो देखते हैं ना एक बहुत नॉर्मल तरीके से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, तो वो ऐसी ऐसी चीजें सामने लेकर आते हैं जो हमें हैरान कर देती है। जैसे हम पिरामिड्स ऑफ जो है जब उनको देखते हैं, तो वो जिस तरह ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं, तो बंदा वो भी देख के हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे इन्होंने रखे, इसके अंदर रास्ते कैसे बनाए। तो नो डाउट जमीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो राजों से भरी पड़ी हुई है। राम सेतु ब्रिज की बात करें तो नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर जानती है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक प्रोजेक्ट पे काम करती है तो बहुत ज्यादा पहलुओं पे जो है वो गौर करती है कि इसके क्या जो है वो बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा, वैसे जैसे मौजूद ने पिरामिड की बात की, तो वाकई में मतलब मेरे ध्यान में आया तक्षशिला कि जब हम वहां पर गए, तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को ये भी बताया कि जो स्पेशली गाइड थे उन्होंने भी हमें ये बताया कि यहाँ पर अभी भी ओल्ड सिविलाइजेशन की चीजें जमीन से बाहर निकलती हैं। तो वाकई में मैं कहूंगी कि एक रहस्य से भरी हुई है ये हमारी जमीन, और पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सामने अब आ रही हैं कि लोग उस पर रिसर्च करते जा रहे हैं और हमारे सामने आती जा रही हैं। बट जहां तक प्रशांत सर ने पूछा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ऐसी जगह होती हैं ये बहुत प्रेशियस होती हैं और मुझे लगता है कि वाकई में इनको सेव करना चाहिए। बाकी वाकई में गवर्नमेंट की अपनी एक सोच होती है, उनका सोचने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये चीजें कभी दोबारा नहीं मिलती और ना दोबारा बनती है। मे बी वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बने कि जिसमें ये ब्रिज भी ऐसा रहे और जो बाकी की मतलब जो उनका प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबल। या ये भी हो सकता है कि उसको उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मतलब कोई ना कोई इस चीज को लेकर छेड़खानी करनी हो, तो उसी वजह से एक पिटीशन भी फाइल की गई। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा मुझसे ओपिनियन पूछा जाए तो यस, मौजम की तरह मैं भी कहूंगी कि सेव करना चाहिए। और इसके अलावा आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ देव हमें चार हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर Keep us in your prayers, isn't it? Goodbye.